आम आदमी पार्टी दे नाल किंदे पकदी पकदी दाल डुल गई, की कारण रहे उहदे? कोई ऐसी डुलनी नहीं, उहदा परमिंदर ने किते बयान गलत देता, होर कुछ नहीं। सुखदेव सिंह ढींसा जां होर टकसाली अकाली लीडर कहिंदे रहे ने कि प्रकाश सिंह बादल ने पुत्र मोह दे विच आ के सारी पार्टी सुखबीर बादल दे हत्थां दे विच दे दित्ती। हुण जदों तुसीं पिछे हो के परमिंदर सिंह ढींसा नूं रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दे बेटे नूं अग्गे करोगे, तुहाडी भी डेफिनेशन उसे तरह नाल होई? सुखबीर दे बनाउण वाला च भी असीं सी, ओह पार्टी नूं नहीं खड़ी कर सके। चर्चा जिहड़ी है फिर बरगाड़ी कांड नूं लै के, कोटकपुरा बैबल कलां गोलीकांड नूं लै के होण लग गई हैगी है। कुंवर विजय प्रताप कहिंदे, मैं दावा करदा इह केस हुण नतीजे ते नहीं पहुंचेगा, इंसाफ नहीं मिल सकदा। तुहानूं की लगदा है, एडवोकेट जनरल जिम्मेवार है जां इस च जिम्मेवारी मुख्यमंत्री दी भी हैगी? देखो मुख्यमंत्री दे कहे तो ये जी पीड़ा नुमाइंदा अकाली दल जां प्रकाश सिंह बादल हुणी इहनूं ढकणा चाहुंदे सी, ठंडे बस्ते च पाउणा चाहुंदे सी, ओह उहनां दी गलबात जां अकाली दल दे होर लीडरां दा रवैया उस समय किस तरह दा लगदा सी? जिहड़े चापलूसी हुंदे ने ओह शक कुछ होर तरीके नाल कहिंदे होण। चापलूस तो की भाव है ढींसा साहब? चापलूस तुहानूं पता नहीं किहड़े किन्ने आले दुआले फिरदे ने। बहुत सारे टकसाली अकाली अजे भी वड्डे लीडर जिस च प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी हैगे, जथेदार तोता सिंह भी हैगे, पुराने अकाली, वो अजे भी पार्टी दे नाल है। की कारण हैगे कि उन्हां दी सोच जां ज़हनियत तुहाडे नाल नहीं मिलदी? खैर ते तुहाडे खाणी दे पुराने मेंटली तो साडे नाल होण। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे कि साडी सरकार हैगी, असीं डिप्टी मुख्यमंत्री जिहड़ा ओह दलित बनावांगे। बीजेपी कहिंदे साडी सरकार हैगी, असीं मुख्यमंत्री जिहड़ा ओह दलित बनावांगे। तुहाडा की नज़रिया है? सीएम दे लई बीजेपी ने सोना राम दा नाम अगे कीता सीगा, पर हुण गल्लां इह वी निकलदियां कि शायद प्रकाश सिंह बादल नहीं मन्ने उस समय। पहलां मैनूं खुद बादल साहब ने कहा कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने ने, पर सोना राम दी नहीं ते कालिया साहब दा नाम चाहिए। लोग देख रहे हैं कि पिंडां दे विच जट्टां दी जां दलितां दी पोलराइजेशन किस तरह की हो सकती है, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੇਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ? ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।